क्या है? मुझे पूरी कहानी जाननी है, आखिर तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? हे, परेशान मत करो, वो बेचारा तो बस मुझसे मदद मांग रहा था। ये तो सच में ना इंसाफी है। हेलो, हम दोबारा आ गए। मैं जीसु रानी। हेलो ब्लिंक, समोसे सभी को। इस बार तो पक्का सही है। हाँ यदु, पूरे 4 साल हो गए हैं हमें साथ में काम करे हुए। मुझे लगता है यही सही टाइम है, हमें एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए कि वो हमारे बारे में आखिर क्या सोचते हैं। सभी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें उसके बॉयफ्रेंड से लेकर उसके कच्चे बनियान, क्या बॉयफ्रेंड भी, हम सारी से सारी छोटी चीज को शेयर करेंगे और कोई झूठ ना बोले इसलिए हम वोटिंग भी करेंगे। ये मैं तो गई काम से। पहला सवाल, कौन गलती करके उसको मानता नहीं है? ओ, उसका तो सोचना पड़ेगा। हे, उसने क्या सोचना, वो तो तू ही है। ओए, मैंने ऐसा कब किया? 3, 2, 1, दिखाओ अपने आंसर। ललिता छपरी, ललिता छपरी। इसमें मैं क्यों हूँ, ये गलती से आ गया होगा। ओ, तो ललिता और छपरी दोनों हैं। तुमने बिल्कुल सच कहा, वो गलती करने के बाद उसे मानती ही नहीं है। अरे, ये मेरा वाला कार्ड क्यों है? देखो, मैंने छपरी का कार्ड इसलिए लिया क्योंकि वो गुस्सा करने के बाद उसे मानती ही नहीं है। और उसे अंदर से पता होता है कि वो उसने किया है, लेकिन फिर भी वो मानती ही नहीं है। सच कहा ललिता, और वो हम पर ही गुस्सा करने लगती है, इसीलिए मेरा वोट भी जाता है छपरी को। मैंने ललिता का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो गलती करने के बाद भी लोगों को मना लेती है। दूसरे तरीके से कहे तो वो लोगों को बेवकूफ बनाती है। स्कूल में वो अक्सर ऐसा ही करती थी, वो मेरी किटकैट खा जाती थी। अब तो सच बोल दो। क्या मैं खाया ना पिया, मैं क्यों झूठ बोलूं? अगला सवाल, किसको पैसे उड़ाने का शौक है? ये इतना मुश्किल क्यों है? 3, 2, 1, जैनी हमेशा ये करती है। छपरी देखो, ये सस्ता लग रहा है, चलो इसे खरीद लेते हैं, जल्दी से खरीदो। अब क्या करूँ, सस्ती चीजों को देखकर मैं उसे खरीदे बिना रह ही नहीं सकती। सही कहा ललिता, मेरा भी कुछ ऐसा ही है, बिना खरीदे रहा ना जाए। और चकारा, वो कैट वाला कॉस्ट्यूम वो बहुत ही अच्छा था। किस मेंबर ने सबसे ज्यादा बॉयफ्रेंड्स बनाए हैं? ये कैसा फालतू सवाल है, ये तो मैं बिना छोड़े ही दे दूंगी। 3, 2, 1। चकारा जब कैफे में काम करती थी तब उसे एक लड़का पसंद आ गया था। वो हर बार हमें उस लड़के के बारे में बताती रहती थी। अरे, वो तो एक गलतफहमी थी, तब मैं ना समझती ना। हाँ, तो हुआ क्या था? दरअसल वो मुझे पेमेंट बैक करने के लिए मेरा नंबर मांग रहा था और मैंने उसे कुछ और ही समझ लिया। देखो चकारा, गलतफहमी में ही तो रिश्ते बनते हैं, तुम्हें उससे प्यार से बात करनी चाहिए थी। सच में वो बहुत ही प्यारा था। तुम्हें पता है ऐसे लड़के आज ढूंढने पर भी नहीं मिलते। अरे, वो बाद में तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर पर भी आया था। वो कितना प्यार से मुझे कह रहा था, चकारानी कहाँ पर है? तो मैंने कह दिया वो तो यहाँ से चली गई होगी, कैफे बैफे में अपना शॉपिंग कर रही होगी और कह रही होगी अरे ये तो काफी सस्ता है, चलो इसे खरीद लेते हैं। अरे, इतना भी मजाक मत करो। क्या उसने सच ही तो कहा? तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे ये मैंने जानबूझकर किया हो। खैर, जो भी हो, ये सब कुछ मैंने अपनी आँखों से देखा था और मुझे काफी मजा आया। जो भी कुछ हुआ अब उसे भूल जाओ, 6 टोपियों वाला चेक अब दोबारा वापस नहीं आने वाला। तुम्हारा कैफे वाला प्यार अब यही खत्म होता है और वीडियो भी यही खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में ब्लिंक्स।